ओह गया, बहुत बढ़िया। मार भाई मार 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 मार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पैल वर्ल्ड। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैं पकड़ के लाया था एक शैडो बीक, जो कि एक डार्क पोकेमोन है। और आज के एपिसोड में मैं पकड़ के लाने वाला हूँ कुछ बॉस पोकेमोन्स, जो कि होंगे कोल्ड एरिया के, जैसे कि लेली नॉच। सो लेट्स गो। अभी गाइस यहाँ पे बज रहे सुबह के 5, क्योंकि मैं सोने जा ही रहा था लेकिन सो नहीं पाया। और गाइस तुम लोगों को अगर याद होगा तो इससे पिछले एपिसोड में मैंने इन दोनों को ब्रीडिंग कराने रखवाया था और इनने एक एग ब्रीड भी कर दिया है। गाइस इससे जो चीज निकलेगी ना, तुम देखो अभी एक सेकंड को, पहले इनकी जो एग्स, ओ भाई ये देखो तुम 76 केक बनवा के रख रखे, और अभी तुम ये देखो 76 + 10 + 12 + 10, भाई इतने केक हो गए ना, मजा ही मजा भाई, ब्रीडिंग ही ब्रीडिंग। अब उनको कराने देते, एक दो और निकलवाते हैं, क्योंकि ये है ह्यूज डार्क एग और इससे अपने को मिलने वाला है लेली नॉट। लेकिन ये तो मैं पकड़ के लाने वाला था, ऐसे कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, ये तो चक्कर हो गया। ओ शिट गाइस, ये और वो एक ही है क्या? अरे नहीं भाई, अरे इसको तो मैंने पैदा करा दिया भाई, मेरे को लगा था ये डार्क वाली होगी और वो कोल्ड वाला होगा, लेकिन इसका नेम तो सेम ही है। गाइस ये देखना पड़ेगा मेरे को कि ये जो बॉस पोकेमोन है ये वाला, ये यार ये सेम निकल गए। मेरे को लगा था ये ठंडे इलाके का अलग होगा और ये जो मैंने ब्रीड करवाया है ये अलग होगा। अब इसको पकड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन गाइस ये फर्स्ट लेवल का है, बॉस भी है, अपने को तो बॉस पकड़ना है, और ये तो डार्क टाइप है। अरे नहीं भाई, अरे सब कुछ गुड़गोबर हो गया। मैं 3-4 एपिसोडों से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसके चक्कर से मैं जर्मन डाइड इग्नस लाया, क्या क्या नहीं लाया अब, लेकिन ये तो डार्क टाइप निकला, इसको ड्रैगन टाइप से हराना है। गाइज ये ड्रैगन भी तो है, ये फायर में टॉप पेल है। डार्क टाइप में सबसे बड़ा जो पोकेमोन होता है वो होता है जेट ड्रैगन, जिसको पकड़ना थोड़ा भी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, तो पकड़ लेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं पकड़ने जा रहा हूँ लेली नॉच और किंग पैका नॉच। तो देखते गाइस इनको मैं पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस बार फायर पेल्स बहुत अच्छे हैं और ये ठंडे इलाके में रहते हैं, तो क्या पता ये फायर पेल्स से बहुत अच्छे से मारे जाएं, और ये ड्रैगन टाइप भी है। तो लेट्स सी, इसको रखते हैं इधर, ये 41 लेवल का है। और एक मैं इसकी जगह पे लेके जाने वाला हूं एनुबिस, बाकी एक शैडो बीक को लड़ा के देखते हैं, क्योंकि शैडो बीक बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी फैनग्लो तो जाने वाला ही अपने साथ में, और अपनी लेवल 38 हो गई है, तुमको मैं बताना भूल गया था, इससे पिछले एपिसोड में हुई थी शायद, या फिर मैं थोड़ा बहुत ऑफलाइन खेला था, क्योंकि मेरे को सही करना था अपना और फार्म बेस, जिसको मैंने एकदम प्रॉपर सही कर दिया। यहाँ के जितने भी सारे पेड़ थे उन जगह पे मैंने ये टॉर्चेस लगा दी, जिससे कि पेड़ नहीं आए, और मतलब यार यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखता नहीं था। इस चक्कर से मैंने सारे पेड़ हटा दिए और हर जगह चेस्ट लगा दिए, जिससे कि जो एनुबिस है वो जल्दी जल्दी जाके ओर्स वगैरह को कलेक्ट कर सके, और अपन इन सब चेस्टों में से बाद में कलेक्ट कर ही लेंगे। इनको घर लेके चलते हैं, क्योंकि अपने को और अल्ट्रा स्फीयर्स बनवानी है, और उसके लिए अपने को चाहिए होगा रिफाइंड इंगट, और रिफाइंड इंगट तो अपने को इससे मिलेगा। सो लेट्स गो। अरे भाई बीच में, इधर इधर, हाँ इन सबको इधर रखो, इधर रखो। अभी देखना है एट लास्ट में टोटल कितना होता है, क्योंकि ये पहला हुआ पड़ा है सारा आइटम इधर आधा अधूरा। इसके बाद चलते हैं आगे। अब मेरे को वापस पीछे जाना पड़ेगा, अभी मेरे को पहले पीछे से लेके आना चाहिए था। रुको इसमें रखवा देता हूँ। गाइस एक लफड़ा कर लिया है, बट मैंने अब सारी चेस्टों में से कलेक्ट करके लाना पड़ेगा ना मेरे को, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन कलेक्ट। जैसे इसके अंदर 61 ओर पड़ा है, इसके बाद अब मेरे को जाना है वहां पे, इसके अंदर पड़ा है 307 ओर, इसके अंदर 74। ओ भाई आधा तो फैला पड़ा है ऐसे यार, ये एनुबिस वगैरह जल्दी जल्दी काम नहीं करती भाई। गाइस तुम लोग कमेंट्स में बताना कि सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट करने वाला पेल कौन सा है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि ये आइटम्स को स्टोरेज में रख के आने वाले पेल्स, मेरे जहां तक शायद एनुबिस ही है, बाकी पता नहीं। और ये लोग भाई यहाँ पे वीक डिप्रेस्ड, अभी सही कराता यार इन लोगों को मैंने कुछ दिन पहले। ओके मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कलेक्ट कर ली है, अभी चलते हैं अपन ऊपर और इसमें देखते कितना पड़ा। ओ भाई ये देखो तुम 794 हो गया ये। एक सेकंड, एक और चेस्ट में मैं रख के आया था, कोल रखा हुआ होगा इसमें, ये रहा सारा कोल, ये रहा मेरे पास इन टोटल 891 कोल है और 794 और है भाई। अब सही है ना, अब देखो तुम मैं कितनी जल्दी जल्दी रिफाइंड इंगट बनाता हूँ। चलो इधर आए थे तो अपन ने सारा सामान ले लिया है, अभी चलते फटाफट अपने बेस पे और इनको मेल्ट करवाने रखते हैं। लो भाई जल्दी जल्दी मेल्ट करो, कितना बन रहा है 399 भाई, सही है। अब मैं कितनी सारी अल्ट्रा स्फीयर बनवा सकूंगा, बाकी 93 कोल अभी भी बच गया मेरे पास, जिसको इसमें रख देते हैं। और भाई जल्दी जल्दी बनाओ, थोड़ा इनको हार्ड वर्क पे डाल देता हूँ मैं, जब तक मैं ये केक्स कलेक्ट करके इनको रखवा देता हूँ। अबे नहीं, अबे ये एग पैक बना, अरे हट जाओ सालो हट जाओ। 2 एग बना दिए भाई इन लोगों ने, 3 एग चाहिए नहीं थे मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। इनको अपन इनक्यूबेट करा देते हैं, एक सेकंड, एक हो गया है ये दूसरा, और आज इनका बॉस पेल भी आने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको उठाओ और इनकी जगह पे एक शैडो बीक रखवा देते हैं, अपने पास 2 थे, एक 45 लेवल का, एक 41 लेवल का, अपने पास 45 लेवल वाला है, ठीक है। तो बाकी केक वगैरह अपन यहाँ रखवा देते हैं, और अपनी 12,000 एक्सपी का ही बड़ी भाई है, और बढ़े जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो क्या रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं।
नहीं आ रहा। चलो ठीक है, लेकिन अपने जो है रिफाइंड इंगट बन गए, इन रिफाइंड इंगट्स को अपन इसमें डाल देते हैं क्योंकि मैं वहां तक ले जा नहीं पाऊंगा। अभी चलते हैं अपन इसके अंदर और बनवाते हैं अल्ट्रा स्फीयर्स जो कि बन सकती है 14, और कमी आ रही है इस टाइम रिफाइंड इंगट की। सही है, तो रिफाइंड इंगट तो और बन जाएगा जब तक मैं बनवा ही देता हूं इन्हें। मैक्स करो। और मेरी एनुबिस कहां है? अबे मेरी एनुबिस कहां है भाई? एनुबिस को कहां छुड़वा रखा है मैंने? ये रही मेरी एनुबिस, इसको रखो यहां। चलो गाइस अल्ट्रा स्फीयर बनना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी बहुत और इंगट्स बन जाए तो और मैं रखवा दूंगा अल्ट्रा स्फीयर बनवाने। बाकी शैडो भी कैसा है तू? मस्त एकदम। आज मैं और मस्त मस्त पहल पकड़ के लाऊंगा, तुम देखते जाओ बस। और गाइस क्या ये ग्रेनेड मुझे बनवाना चाहिए? देखो बन रहा है, तो क्यों ना मैं 10 ग्रेनेड बनवा के चलूं, क्या पता काम आई जाए। और गाइस मेरे को एक बनवाना है डेजी क्लाउड, क्योंकि भाई ये बहुत काम आया था। मैं एक बार पता नहीं कहीं तो गया था ऑफलाइन, उससे मेरे को घर जाना था, मैंने डायरेक्टली क्लिक करा और मैं घर पहुंच गया यार, तो सबसे बढ़िया चीज। और ये रेड, अबे यार ये रेड कर देते हैं जब मर्जी। अल्ट्रा स्फीयर बन गई है और बनवा देते हैं साथ, क्योंकि अब अपने पास कोई कमी नहीं है। अल्ट्रा स्फीयर भी अपन जितनी मर्जी चाहे उतनी बनवा सकते हैं। बाकी भाई लोग पहले इनको पीट लो, ये बहुत अरे अरे मारो सालो को, मारो इसको, मारो। हाँ, अबे अबे खत्म कर दिया ने तो। अबे रुक जाओ, एक दो पकड़ तो लें दो। अबे मेहमत कहाँ से आ गया? ये गाइजी ने एक झटके में सबको मार दिया, पता नहीं क्या करते हैं भाई ये लोग। इसको तो पकड़ लूं हाइपर स्पीयर में। आजा मोटू, आजा, मर जाएगा बन्ना। कहाँ गया मोटू? अरे मोटू मरना चाह रहा है भाई, मारो मोटू को, मारो। बस 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 बस, रुक जाओ आ जाएगा, आ जाएगा। ये गाइज मोटू अपने पास आ गया है। और भाई ये देखो तुम सामान, इनसे भाई गन वगैरह एमओ वगैरह बहुत मिल जाती है, सही चीज है। ये देखो अलग अलग चेस्ट है, अलग अलग चीजों के लिए बनवा दिए। इसके अंदर अपने सारे पैल्स रिलेटेड आइटम रहेंगे, इसके अंदर अपने सारे ये जितने भी हैं अदर मटेरियल्स रहेंगे, जिसमें अपने को ये कुछ तो एमरल्ड वगैरह मिलते हैं। इसके अंदर सारे फ्रूट्स रहेंगे और इसके अंदर अपने सारे एंचेंटमेंट्स वाले आइटम रहेंगे, जिससे अपन एक्सपी बढ़वा सकते हैं और इससे अभी बढ़वा सकते हैं। बट क्या पता अपने को कोई जबरदस्त स्पेल मिल जाए। हाँ वैसे शैडो बीक और एनुबिस पे ये चीज यूज कर सकते हैं, बट अभी मुझे नहीं करनी है तो अभी नहीं कर रहा मैं। बाकी इसके अंदर मैं डलवा देता हूँ फायर ऑर्गन और जितना भी पाल ऑयल वगैरह है, ठीक है। इनसे मेरे को क्रूज एमो मिलती है, जो कि ये बंदे आते हैं इनको मारते हैं। 7 स्फीयर्स और बन गई, थोड़ी बहुत और बन जाती तो अच्छा रहता। ओके 4 और बन रही है। अपन यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं ठंडे इलाके में। उसके लिए मैं पहले प्रिपरेशन कर लेता हूँ। ठंडे इलाके की ड्रेस पहन ली अपन ने। बाकी अपनी पार्टी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपने को ठंडे इलाके में परेशानी पहुंचाए, तो अपने को दिक्कत नहीं है। ओके चल भाई आ जाए एनुबिस, लेट्स गो। अपन चल रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट यहीं चले या ओके यहीं से पास में। पहले अपन लेलिन को हरा के देखते हैं, फिर किंग पैका को। मेरे को दोनों चाहिए भाई आज के एपिसोड में, मैं ट्राई करने वाला हूँ दोनों मिल जाए मेरे को। ओके सामने जाना है सीधा। ये फैन ग्लोब को मैं शायद गलत ले आया हूँ, फैन ग्लोब नहीं लाना चाहिए था मेरे को, बट ठीक है एक न्यूट्रल बंदा भी होना चाहिए। गाइस मैंने गलती कर दी, मुझे उड़न खटोले लाना चाहिए था इसकी जगह पे, ये घटिया चीज है। अब मेरे को मिल और नहीं रहा है वो। ओके गाइस मेरे को ये जगह मिल चुकी है, अभी चलते हैं फटाफट से इसके अंदर, लेट्स गो। भाई ये खतरनाक चीज तो है, बस अपन इसको मार दे। मेरी टॉर्च कहाँ है भाई? एंड लेट्स गो। इसको अपन किससे लड़ाएं सबसे पहले? ये भाई दिखा क्यों नहीं रहा? ओके ये सिर्फ डार्क पहल। अबे नहीं, अबे नहीं, अबे शिट, अबे अबे आती गुस्सा हो गई है तो। अबे ऐसे मत करा करो यार। मारियो मारियो मारियो, दिखाइए इसको। अरे जोर दिखा दे। अरे यार एक तो इनको मैं ना नॉर्मल मोड पे अलग डाल के रखता हूँ। ओके क्या ये इफेक्टिव है? नहीं मेरे बंदा नहीं मरना चाहिए, मैं माँ बता रहा हूँ तेरे को। ओए ये अटैक क्यों नहीं कर रहा है? गाइस अंधेरा वाला अलग हो जा रहा है। नहीं नहीं मरने वाला हूँ मैं, मरने वाला हूँ। ओके इधर जाना चाहिए मेरे को, मैं सेफ हूँ अभी के लिए। अबे नहीं यार इसका ये वाला अटैक नहीं। ओके मैंने एनुबिस छोड़ दिया अभी के लिए। शिट 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 शिट, मेरे को इसको खाना खिलाना। मर गया, खत्म खत्म हूँ मैं तो, खत्म हूँ। शिट भागो, मेरे पीछे पीछे आ रहा वो। अबे बाहर तक आ जाएगी क्या, क्या कर रही है? अरे मार दे, तू भी मार ले उसको थोड़ा सा। ओके पड़ रही है, एक तो गुफा में अलग लड़ाई चल रहा है भाई, अंदर अंदर कर लो लड़ाई। शिट आ गई, आ गई, वो अंदर चली गई है, अंदर चली गई, भाग पकड़ मार। ओके बहुत सही, नहीं शैडो बीक को नहीं पढ़ने दूंगा मैं, शैडो बीक को नहीं मरना चाहिए, शैडो बीक नहीं मरना चाहिए। ये लोग गया, एक अटैक है ना उसमें सब खत्म हो जाता है यार। मेरे को और खाना लेके आना चाहिए था बट गलती कर दी, अब जो कर दी जो कर दी। अबे नहीं मारियो 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 उसको मारियो। ओके नाइस, ये अटैक बहुत सही है भाई इसका। गया, मार भाई मार 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 मार, बहुत बढ़िया बहुत सही। शिट मैं गया, मैं मरूंगा मैं मरूंगा, मुझे भागना पड़ेगा। अबे यार गाइस अब मैं ये तोड़वा के लेके जाने वाला हूँ और इसको लगवाऊंगा बाहर, जिससे कि अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तो मैं वहीं की वहीं बाहर आ जाऊंगा। और मेरे को खाना चाहिए था, थोड़ा बहुत मेरे को खाना दे दो भाई, फटाफट से चलते टावर पे। यार मैंने उसकी इतनी ज्यादा एचपी कम कर दी थी ना, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को भाई, 4000 की थी 2000 की छोड़ी थी मैंने उसकी। ओके लेट्स गो, पहले मैं एक काम करूंगा, पहले पाल बॉक्स बनवा दूंगा बाहर जहां भी बन सके। शिट घर जाना पड़ेगा, पहले घर जाना पड़ेगा, मुझे कोल्ड वाली ड्रेस भी पहननी पड़ेगी और शायद आउटफिट फॉर कोल्ड रीजंस। ओके ठीक है डन। और ये सब क्या भर दिया भाई मैंने अपने
अपने पास। अच्छा ये तो काम आएगा, इसको फेंको और इसको फेंको, डन। ठीक है अब मुझे जाना किधर की साइड था, ओके आ गया, पास में था भाई ये, बगल बगल से जाओ तो अपने आराम से आ जाता है। अभी मेरे को सबसे पहले ओके उतर 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 इधर आ, मेरे को ये देखने दो मैं अंदर बनवा सकता हूँ, अंदर नहीं बन रहा है ये, मुझे मेरी पेटी तक पहुंचा दो एक बार, फिर बाद में देख लेंगे उजाला वगैरह। तो ओके मेरी पेटी मिल गई भाई, तू कुछ मत करे, तेरे से मैं लड़ने आया भी नहीं, ऐसे ऐसे करा तेरी रेड पीटूंगा, रुक दो मिनट रुक तू बेटे, टू क्लोज दिखा रहा ना ये स्पेशल बॉस के। ओके यहाँ लग सकता था भाई, वरना ये अगर ये बॉस के चक्कर से नहीं लगने दे रहा, लेकिन और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, यहाँ तो लग जा यार। गाइस अब आएगा ना मजा बेटे, तेरी रेड नहीं पीटी क्योंकि भाई यहाँ तक तो वो आ जाती है चल चल के, मारियो साड़ी को। अब बताऊं बेटा मैं तेरे को, इधर आ, हम नहीं डरते किसी मंजर से क्योंकि हमारे पास खंजर है साड़ी। उई इधर आंदे बताऊंगा तेरे को, बताऊं। ओ आ गई, आजा 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 आजा, रॉबिन क्विल गया अपना, क्या चल रहा है? शिट 3000 की एचपी रह गई इसकी, गई क्या? ओ शिट, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके इसकी एचपी रिकवर नहीं हुई है। अबे कहां कहां पैदा किया तुम लोगों ने भाई, ये लगातार अटैक कर रहा है, पता नहीं क्या ही चीज है। अच्छा हाँ अपना ये बंदा लगातार अटैक करता था इसलिए तो मुझे पसंद था भाई, देखो इसका कूल डाउन बहुत सही है भाई। नहीं लग ही गया उसको, लग गया लग गया लग गया लग गया, शिट गाइस अपने शैडो बीक का अटैक, और ये भाई 1000 की एचपी रहने वाली है, 400 की एचपी। शिट मैं गया मैं गया मैं गया, मुझे जाने दे मुझे जाने दे मुझे जाने दे, मैंने अल्ट्रास्फीयर फेंक दिए, अल्ट्रास्फीयर में आ जा यार, आ जा आ जा, मैं मर जाऊंगा वरना। कहां गई है ये, कहीं तो अटक गई है। शिट कहां, ओके गई गई अपनी जगह पे, गई अपनी जगह पे गई। गाइस फटाफट जाना पड़ेगा मेरे को अंदर, वरना खत्म हो जाएगा सारा मामला, खत्म हो जाएगा। नहीं एचपी रिकवर ना हो, एचपी रिकवर ना हो, अबे फुल एच भाई, ये खुद गायब हुई और खुद हट भाई, क्या यार 400 की एचपी कर दी थी इसकी यार, इनके ग्लिच ये देखे ना भाई, अब क्या है यार। गाइस इससे नहीं लड़ रहा मैं, किंग पैका से लड़के आता हूं पहले, अगर किंग पैका आ गया ना भाई इसकी एसएस, किंग पैका से इसके इसको बिड़ा दूंगा, लेकिन किंग पैका और इसमें शायद अंतर होगा, क्या पता, देखने दो किंग पैका कहां मिलेगा। ओके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा किंग पैका के लिए, मैं पूरा ये पहाड़ क्रॉस कर चुका हूं गाइस। ओके मेरे को मिल गया है, मेरे को मिल गया है किंग पैका का माइन शाफ्ट, मिल गया है मेरे को, चलते रहो यार। लेकिन ये सारी इतनी पतली पतली सी गलियां हैं, इसके अंदर अपना पेल बॉक्स भी नहीं लगा सकते, और मैंने सारे अपने पेल्स तो मरवा दिया आधे तो। भाई गुस्सा नहीं करना, देख बता तो देख क्या है। अच्छा ओके कोल्ड वाला बंदा है, इसकी पेटी लूटो पहले, और यहां से थोड़ा आगे जाओ, पहले इसका ठिकाना ढूंढो जहां पे अपन पेल बॉक्स लगवा सके। ठीक है टू क्लोज टू क्लोज टू क्लोज टू क्लोज टू क्लोज, कहीं तो लगेगा ओवरलैप्स, ठीक है यहाँ लग सकता है ये, डन। गाइस अपना पेल बॉक्स यहाँ लग चुका है, मेरे पास अभी फायर वाले बंदे चाहिए मेरे को सारे, तो मैं फायर वाले बंदे निकालने वाला हूँ। एक येरा, ठीक है एक अपना एनुबिस, यार ये वीक क्यों हो रखा है, इसके लिए इंजेक्शन लाना पड़ेगा मेरे को, और ये रिप्टो वगैरह भी यार है तो फायर वाले बंदे, बट ठीक है और कोई फायर वाला बंदा है, एक येरा फायर वाला बंदा। चलो अभी इन्हीं से लड़ा के आते हैं, देखते हैं क्या होता है, इससे लड़ाते हैं अपन जर्मनोटाइड से। जर्मनोटाइड का तुम अटैक देखे अभी 700 का दिखा रहा था यार, 200 200, अबे ये क्या है, किंग पैक का भाई सही है, अपने पास फायर वाले बंदे है ना इसलिए बहुत सही अटैक हो रहा है। ओ नहीं 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 नहीं, नाइस भाई ये पता नहीं क्या ही अटैक कर रहा है जर्मनोटाइड, मजा आ जा रहा है भाई। अपन ने एनुबिस को छोड़ के देखा है, ओके अटैक कर रहा है एनुबिस भी, अटैक कर रहा है ऐसी बात नहीं है कि अटैक नहीं कर रहा, खत्म है भाई ये खत्म है, ये बंदा खत्म है। अपन भी 19-19 का डैमेज दे रहे हैं भाई, ओ ये तो खुद मरने वाला है, जर्मन ट्रेड को क्या मारेगा, रुक जा एक में आ जा, ऐसी कोई बात नहीं तेरी भैंस का कद्दू, दूसरी बॉल में आ जाना चाहिए, नहीं आया ये आदमी, मार इसको मार रहे मार इसको, थोड़ी जरूरत है, 600 की एचपी रह गई है, अब तो आ जा अल्ट्रास्फीयर फेंकिए। गाइस बॉस फर्स्ट किल, अपना किंग पैका अपने पास आ चुका है, और अपने को 26000 की एक्सपी मिली है, डन गाइस। अब मेरे को लेलिन और चाहिए, बिना घर जाए भाई, बिना घर जाए यहीं पर रहना है मेरे को, अब उसको अच्छे से मारेंगे, पहले कुछ ग्लिच वगैरह हो गया था, यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। गाइस अपन करीब करीब पहुंच चुके हैं, अपने को ये मिल चुका है, लेकिन भाई इसको मैंने हरा दिया था, इतनी देर लगा लोगों के, अब वापस हराना पड़ेगा, बस ये दिक्कत है। टॉर्च कहां गई मेरी, वेयर इज माय टॉर्च भाई, आ बेटे पेल बॉक्स लग जान दे बस आसपास कहीं, तेरी सारी खुजली मिटा दूंगा मैं। गाइस मैंने यहां पे ये दिया है, अभी मेरे पास अच्छे खासे पेल्स हैं, जैसे ही मरेंगे बस मैं पेल्स लेने आऊंगा और इसको वही मारने वाला हूं मैं बीचों बीच, मैं कोई लफड़ा नहीं करना चाहता। चल भाई आजा लड़, अबे उससे लड़ मुझसे मत लड़ साले, बे यार फिर यहाँ आएगी यार, ये इसके भी तो चूने हैं, देख देख अंदर जाना भाई अंदर जाना, गुफा में आके क्या मार, लड़ने दो इनको लड़ने दो, दो मिनट लड़ने दो, मैं बताता हूँ बेटे। गई मेरी शैडो बीक की एचपी गई यार, ये गुफा में आके लड़ रही है, शिट ओके बच गया। अबे
भाई ये क्या चीज है यार, मेरा आर्मर ना एक तो रिपेयर नहीं था भाई, सो ले पहले गाइस, मेरे को एक ओल्ड वाला आर्मर बनवाना पड़ेगा, वहां जाना है। तो आर्मर कहां बनते थे भाई, आर्मर कहां बनता था? ये देखो इनने बॉल अलग ही फैला रखी है हर जगह। और इनमें क्या बना पड़ा है? अच्छा ओ डीजी क्लाउड ग्रेनेड, मेरे को ग्रेनेड मिल गया बेटा, तेरे को बताता हूं मैं। पहले मेरे को वो बना ले दो आर्मर, ये ओल्ड वाला एक आर्मर बन रहा है ना, सस्ता वाला बना दे भाई, ओल्ड रेजिस्टेंस वाला बनवाना पड़ेगा। और अपना आर्मर रेडी है, लेट्स गो। मेरे पास अब शायद कुछ अच्छी चीज है, हिडन। भाग भाई, मेरी पेटी ले आने दे, बस मेरे को मेरी पेटी दिला दे, फिर बताता हूँ इसको मैं। नहीं, गुस्सा नहीं होना। अच्छे बच्चे, दिल के सच्चे, जल्दी भागो, भाग जाओ। गाइस अभी मैं एक बार और घर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपना आर्मर रिपेयर कराना है। आर्मर की वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी मर रहा हूँ। चलो फटाफट से घर चलो। मेरी शायद शील्ड वगैरह टूट गई है, क्योंकि शील्ड ही एक ऐसी चीज जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं। शील्ड तो प्रॉपर सही है यार, हेलमेट नहीं है। हेलमेट कोई अच्छी कंपनी का बन रहा हो तो वो बनवाओ, रुक जाओ। मेरे पास टेक्नोलॉजी के अंदर हेलमेट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ तो है। ये रहा ना भाई, हेलमेट ओपन हुआ है तो क्यों ना, अपने पास 7 टेक्नोलॉजी पॉइंट है। एक तो हेलमेट ओपन कर लेता हूं मैं, और एक गन, बट गन के लिए एमओ भी चाहिए। 4 है अपने पास, ठीक है अभी के लिए छोड़ो। अपने को वैसे भी टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलने ही वाले, उससे पहले यहाँ रेड हो गई है, देखते रहेंगे रेड वेड का। मुझे अपना हेलमेट बनवा लें दो, हेलमेट अरे वहीं तो बनता है। लो भाई हेलमेट बना के दे, कहां हेलमेट? एनोबिस तो इस पे लग, तेरे लिए मैं एक दवाई बनवाता हूं, रुक। ये वीक हो रखी है ना, लेकिन ठीक है मार तो रही है, बाद में देखेंगे इसका वीकनेस का। लेट्स गो, मैंने हेलमेट ले लिया है और इसको पहना देता हूं। ये रहा भाई, इसकी प्रोटेक्शन है 100 की और इसकी 50 की थी। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो। आ गया बेटे मैं वापस आ गया, मार इसको। ओके स्टार्ट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके क्यों ना मैं ग्रेनेड फेंक के देखूं, थोड़ा सा और आगे फेंकना पड़ेगा शायद। ओके लगी, शिट, ये यहां आ गई यार। ओए गया, मैं गया, शिट नहीं। ओके और उसकी एचपी बुत्ती बच गई है, मैं इधर छोड़ता हूँ, कुछ बंदे छोड़ता हूँ, रुक जाओ। एक और शैडो बीक है ना मेरे पास, शैडो बीक रखता हूँ। ये जा रहा है भाई मारने, अब की बार खत्म है, क्योंकि अब की बार मैं इसको गुफा में भी नहीं लड़ा रहा। ओके एक अटैक कर, बहुत बढ़िया। शिट, 600 की एचपी है यार, आ जा। शैडो बीक को छोड़ना पड़ेगा, इसको अब बताएगा बेटा शैडो बीक। अच्छा अब की गाइस फाइनली अपना मैप में ये बंदा भी आ चुका है, जो कि इतना तंग कर रहा था भाई। भाई शैडो बीक बहुत जबरदस्त चीज है, है? 7 लेवल का, अबे एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा कैसे हो सकता। ओके 49 लेवल का ये रहा, 606 का अटैक है। अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से अपने घर पे, और भाई फटाफट से फूड फार्म पे चलो, वरना फूड फार्म का सारा सामान खत्म हो जाएगा। लेट्स गो, इधर अपने को जाना है तो इस पे चलते हैं, फार्म का पाल बॉक्स लगवाते हैं, फिर चलेंगे घर पे। ओके तो अभी मुझे जाना है किधर की साइड, मैं फार्म पे आ गया हूँ, कुछ भी नहीं टूटा है भाई। पाल बॉक्स, लेट्स गो, मैं जा रहा हूँ घर पे। और भाई रात हो रही है क्या? गुड मॉर्निंग गाइज, और ये देखो अपने बंदे भाई, देखने में ये कुछ नहीं लगती बट ये बहुत तगड़ी है, और देखने में ये बहुत कुछ लगता है लेकिन मुझे लगता नहीं है ये तगड़ा है। मोटू भाई का अटैक है 380 का, और ये शायद कम हो गई लेवल, इसलिए 46 लेवल पे बहुत ज्यादा अटैक था इसका, ठीक है। और ये तो तगड़ी चीज है ही भाई, तुमने जैसे कि देख ही लिया होगा। ओके और मेरे को एक, किसी ने तो कमेंट सेक्शन में एक ब्रीडिंग बताई थी जिसके लिए अपने को एक तो ये बंदा चाहिए था और एक एनुबिस चाहिए था, तो क्यों ना एनुबिस अपन अपना बॉस वाला रखे, तो इन दोनों की ब्रीडिंग से कोई तो टावर बॉस आने वाला है उस बंदे ने लिखा था। लेट्स सी, ये अपना एनुबिस गया इस ब्रीडिंग फार्म में, लेट्स गो, इसको अपन डालते हैं ब्रीडिंग फार्म में। और भाई इन लोगों की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है, अब देखते हैं इसमें कौन सा टावर बॉस निकलता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने इतने खतरनाक पेल्स पकड़े ना जिनका कोई जवाब नहीं। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।